आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यवसाय के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो क्या है। ये दूसरे प्रकार का जो व्यवसाय है वो है श्रृंखलाबद्ध स्टोर। लेकिन बच्चों यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भारत में जो है वो विभागीय भंडार की स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि जो भारत जो है एक विकासशील देश है, ठीक है। अब इस विकासशील देश में बहुत बड़ी मात्रा में लोअर मिडिल क्लास और साथ ही साथ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों के मेंटेलिटी ये है कि वस्तुएं अगर सस्ती मिल रही हैं कंपैरेटिवली उन डिपार्टमेंटल स्टोर की अपेक्षा, तो वो क्या करेंगे, वो अलग अलग दुकानों में जा जाकर अपने पसंद की वस्तुओं को खरीद देंगे, ना करके उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक ही जगह पर वस्तुएं उनको मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है भारत में अगर हम विभागीय स्तर या विभागीय भंडार की बात करें तो विभागीय भंडार चलते हैं, लेकिन चूंकि लोगों का खर्च करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है या उनका जो एक्सपेंस पावर है उतना अच्छा नहीं है, परचेजिंग पावर उतना अच्छा नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस तरीके के जो भंडार हैं वो थोड़े से कम प्रचलन में। अब हम बात कर रहे हैं श्रृंखलाबद्ध स्टोर की। श्रृंखलाबद्ध स्टोर या बहुसंख्यक स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर या बहुसंख्यक स्टोर, ये स्टोर सबसे पहले इनकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई। इनकी जो स्थापना है वो या इनका उद्गम हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ है। यहाँ पर इंग्लैंड में जब इनकी बहुत सारे प्रकार की दुकानें इस प्रकार के व्यवसाय या इस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा मिला हम कह सकते हैं। अब जो है भारत में हम बात करें तो आपको मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, बाटा हुआ, मैकडी हुआ, ऊषा स्विमिंग मशीन हुआ, रेमंड हुआ, ये एक प्रकार की जो दुकानें हैं श्रृंखलाबद्ध स्टोर है जिनके बारे में आपने सुना हुआ है। अब बात आती है श्रृंखलाबद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, जो श्रृंखलाबद्ध स्टोर होते हैं ये एक ही प्रकार के प्रबंध के अधीन होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ एक समान वस्तुओं को बेचा जाता है। अब इन श्रृंखलाबद्ध स्टोर का उद्गम क्यों किया गया, ये सवाल उत्पन्न होता है। यहाँ पर बात यह है कि जो मध्यस्थ हैं उनको हटाने की बात थी, ठीक है। मध्यस्थों को बीच से हटाना और साथ ही साथ एक ही तरीके के प्रोडक्ट को या उत्पाद को उसी सेम प्राइस में हर जगह तक देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे तो श्रृंखलाबद्ध स्टोर ऐसे स्टोर होते हैं जहां पर जो निर्माणकर्ता होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो स्वयं ही क्या करता है, देश के शहरों में या देश के विभिन्न शहरों में हम कह सकते हैं अपनी ही दुकानों को खोल लेता है और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो क्या करता है, उन उत्पादों को अपनी दुकानों तक पहुंचाता है। ये जो वस्तुएं होती है हर जगह इनका प्राइस या इनका जो मूल्य होगा वो सेम होगा, समान होगा, साथ ही साथ यहाँ पर मध्यस्थों का अभाव होगा। इन सभी दुकानों की सजावट जो होती है एक ही प्रकार से की जाती है कि वो एक ही तरीके के दिखते हैं। दूसरी चीज़ और अंतिम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो वस्तुओं की क्वालिटी होती है वो एक ही प्रकार की होती है, अच्छी क्वालिटी हमेशा प्रेफर की जाती है। और यहाँ पर जो वस्तुओं में व्यवसाय होता है एक ही प्रकार के वस्तुओं में व्यवसाय होता है या दो प्रकार, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रकार नहीं लिए जाते। तो यही होता है श्रृंखलाबद्ध स्टोर या बहुसंख्यक स्टोर, चेन स्टोर हम इसे कह सकते हैं। आइए इसको कॉन्सेप्ट को हम परिभाषा के माध्यम से और अच्छे प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं कि श्रृंखलाबद्ध स्टोर क्या है। ये जो परिभाषा है वो दी है पीडी कैनवस ने। उनके अनुसार एक ही स्वामित्व व प्रबंध के अंतर्गत चलने वाली बहुत सी फुटकर दुकानों को श्रृंखलाबद्ध स्टोर कहते हैं। एक और परिभाषा देख लेते हैं जो दी गई है सर जेम्स स्टीफन के अनुसार। इनके अनुसार बहुसंख्यक दुकानों को एक ही प्रकार की दुकानें अनेक दुकानें होती हैं जिनका स्वामित्व केवल एक व्यावसायिक फर्म के हाथ में होता है। तो बच्चों इससे इसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो फुटकर दुकानें होती हैं वो स्वयं एक व्यक्ति या एक फर्म के द्वारा चलाई जाती हैं और यहाँ पर जो वस्तुओं की कीमत और क्वालिटी एक जैसी होती है तथा साथ ही साथ दुकानों की सजावट
आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सजावटें भी एक जैसी होती हैं। और यहाँ पर जो है मध्यस्थों को हटाने के लिए इस तरह के श्रृंखलाबद्ध स्टोर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। आइए हम इसे विशेषताओं के माध्यम से और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। इनकी पहली विशेषता हो सकती है कि यहाँ पर जो उत्पाद होते हैं उनका निर्माण एक ही स्थान पर होता है। दूसरी विशेषता हो सकती है कि इसका जो स्वामी होता है वो एक व्यक्ति या एक फर्म हो सकता है। तीसरी विशेषता जो अभी तक हमने जानी वो ये है कि सभी वस्तुएं आकार, गुण व मूल्य में समान होती हैं। ठीक है, चौथी वस्तुएं इस प्रकार से हो सकती हैं कि इनमें वैरायटी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, प्रकार बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो विक्रय जो होता है ना, सेल 100% कैश पे होता है, नगद। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सजावट में एक रूपता भी होती है, जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं के लिए इनको खोला जाता है और साथ ही साथ दुकानों का व्यापक क्षेत्र होता है और आबादी के अनुसार इन्हें स्थापित किया जाता है। तो एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं, आप बाटा का उदाहरण ले सकते हैं। बाटा की दुकानें अगर आप किसी भी शहर में देखें तो बाटा का जो स्टोर होता है उसका बाह्य, उसकी बाह्य सजावट और उसकी आंतरिक सजावट एक जैसी होगी। बाटा जो है वो जूते चप्पलों की रेंज में अपना व्यवहार या व्यापार करती हैं, तो बाटा शूज़ के नाम से प्रचलित है। वहाँ पे व्यापार केवल शूज़ या स्लिपर्स या सैंडल्स में ही किया जाता है, इस ब्रांड के नाम से प्रचलित है। ये प्रॉपर 100% कैश में किया जाता है, साथ ही साथ ये एक फर्म के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे फुटकर शॉप्स या छोटे दुकानें खोली गई हैं, जिससे कि कस्टमर को इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वो उन्हीं कीमतों पर उसी क्वालिटी में कहाँ किसे मिल सके, उपभोक्ता को प्राप्त हो सके। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था श्रृंखलाबद्ध स्टोर का। अब जब श्रृंखलाबद्ध स्टोर की बात हमने की तो इसकी स्थापना के लिए जो मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु हो सकता है कि इसमें उपयुक्त स्थिति। ठीक है, यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार के कस्टमर की आवश्यकता। जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स की मैंने बात की, उषा स्विमिंग मशीन्स की बात करी, बाटा की बात करी, तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर किस तरह के कस्टमर चाहिए, उपभोक्ता चाहिए, जिनका परचेजिंग पावर अच्छा हो, मतलब अपर मिडिल क्लास हम ले सकते हैं, है ना, ऊपरी मिडिल क्लास के लोग या इसके ऊपर हायर क्लास के लोग, इनकी जो परचेजिंग पावर होती है या क्रय क्षमता होती है वो कंपैरेटिवली नीचे वाले लोगों से या जिनकी क्रय क्षमता कम होती है उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो उनकी हम स्थापना पूछें या स्थिति पूछें तो इन प्रकार की दुकानों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो कि इस तरह के कस्टमर्स जहाँ पर आसानी से पहुँच सके, या शहरों के बीचों बीच होनी चाहिए। फिर बात आती है उपयुक्त भवन। बिल्कुल आवश्यकता है उपयुक्त भवन की, क्योंकि यहाँ सजावट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी दुकान की वस्तुओं को उनको प्रदर्शित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उपयुक्त भवन की बात आती है कि एक प्रॉपर जो होता है भवन की आवश्यकता होती है, जहाँ पर सही चीज़ें एक ऐसी व्यवस्था में हो, जब भी उस प्रकार की या उसकी दूसरी ब्रांच में अगर कोई व्यक्ति जाता है या कस्टमर जाता है तो उसको उसी प्रकार के लुक या सजावट या उसी प्रकार के दुकान की एक पिक्चर दिमाग में आती है। फिर आंतरिक सजावट की बात कर रहे हैं, न कि केवल बाह्य सजावट, तथा आंतरिक सजावट भी उन दुकानों में एक जैसी होनी चाहिए, तथा मूल्य पद्धति, जिस प्रकार की वस्तुएँ सेम दुकान एक दुकान में मिल रही हैं उसी प्रकार की वस्तुएं उसी कीमत पर दूसरी दुकान में भी प्राप्त होंगी। तो इसकी स्थापना के लिए, श्रृंखलाबद्ध स्टोर की स्थापना के लिए ये जो कुछ बिंदु थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु थे। आइए अब हम देखते हैं कि इनसे होने वाले लाभ कौन से हैं। अगर हम पहला लाभ देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें निश्चित एवं समान मूल्य के वस्तु मिलती है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जैसे हम बाटा की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो जूते हैं सेम रेंज में मिलती हैं और सेम क्वालिटी की मिलती हैं, स्लिपर्स जो हैं सेम रेंज और सेम क्वालिटी की मिलती हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे बिंदु को देखें तो मध्यस्थों की समाप्ति इसी जो कॉन्सेप्ट पे, इसी आइडिया पे जो है इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया गया कि हमें मध्यस्थों को हटाना है,
तो श्रृंखलाबद्ध स्टोर स्टार्ट किया जाए, तो ये दूसरा लाभ हुआ इसका। तीसरा है सामूहिक विज्ञापन। एक बार इस ब्रांड, इस तरह के स्टोर ने अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अब अलग अलग उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये एक सामूहिक विज्ञापन देते हैं। फिर बात आती है पैमाने की मितव्ययता। अब जब हम जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं निर्माण की, है ना, जब उत्पाद का निर्माण हम करते हैं तो अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है तो वहाँ पर उसका मूल्य ज़्यादा होता है, लेकिन जब यही उत्पाद बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित होता है तो उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे पैमाने की मितव्ययता से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिर बात आती है जनता में ख्याति। अब क्योंकि यहाँ पर वस्तु की क्वालिटी तथा उसकी मूल्य की बात हो रही है, तो जब दोनों ही चीज़ें हर दुकान में, हर दुकान मतलब सेम दुकान में, जो बाटा की दुकान है एक जगह, दूसरी जगह पे सेम बाटा की दुकान वही है, लेकिन वहाँ पे की वस्तु का मूल्य और क्वालिटी तथा इस दुकान की वस्तु का मूल्य तथा क्वालिटी दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच उनका एक बहुत अच्छा, जो बोलते हैं, एक बहुत अच्छा फिगर डेवलप होता है, एक बहुत अच्छी टर्म्स उस फॉर्म से डेवलप होती है, एक बहुत अच्छा पिक्चर बनता है कि नहीं ये जो दुकान है वो बहुत अच्छी है, यहाँ से हम अपनी आवश्यकता की वस्तु, इस तरह की वस्तुओं खरीदना है तो इसे हमें यहीं से लेना चाहिए, तो एक जनता से बहुत बड़ी ख्याति मिलती है, एक अच्छे बॉन्डिंग बनती है। फिर बात आती है ग्राहकों के निकट। बिल्कुल सही बात है कि जब भी ग्राहक हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के ग्राहकों की बात कर रहे हैं, या तो अपर मिडिल क्लास होगा या तो हम कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ जीने वाले हाई क्लास होगा, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ये इस तरह कस्टमर होते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी हमेशा खोजते हैं, एक अच्छा ब्रांड हमेशा खोजते हैं, ठीक है, अपने परचेजिंग पावर के अनुसार, अपने खर्च के अनुसार। तो ये जो होते हैं, अगर इनको इस तरह की क्वालिटी मिल जाती है किसी उत्पाद से या किसी भी श्रृंखलाबद्ध स्टोर से, तो हमेशा उन्हीं श्रृंखलाबद्ध स्टोर में जाकर के ये कोशिश करते हैं अपने पसंद की वस्तुओं का चुनाव करने का। तो यहाँ पर जो होती है ग्राहकों से इनकी निकटता बढ़ जाती है। फिर इसके अगले लाभ को देखें तो ये है कि सुगमता से पहचान, आराम से पहचान जा सकता है, नाम एक ही है क्योंकि फॉर्म एक ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उनकी सजावट करने का तरीका है कि रख रखाव का तरीका एक ही है, केवल आंतरिक सजावट पर ही नहीं जोर दिया जाता बल्कि बाह्य सजावट भी लगभग समान की जाती है, तो ये सुगमता से पहचानी जा सकती हैं। और इसके अगले लाभ को हम देखें तो माल के हस्तांतरण की सुविधा होती है। इसमें क्या होता है कि अगर एक शॉप है वहाँ पर माल इकट्ठा हो गया, वो वहाँ से बिक्रय नहीं हो रहा, तो क्या वो वहाँ ख़राब हो जाएगा? नहीं, इसे क्या किया जाता है, उसी के दूसरे चेन में आगे प्रोसेस करके बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे कस्टमर कोई डिमांड ज़्यादा है वो वहाँ पे माल स्टॉक नहीं हो जाता है ना, वो माल क्या होता है उस शॉप में चला जाएगा या उस एरिया में चला जाएगा जहाँ पर उस दुकान में कस्टमर की ज़्यादा नीड है या वहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदी करते हैं। फिर बात आती है निःशुल्क मरम्मत सुविधा की। तो बहुत से ऐसी ब्रांड्स जो हैं या बहुत से ऐसे इस प्रकार के श्रृंखलाबद्ध स्टोर हैं वो इस तरह के मदद करती हैं या सेवा प्रदान करती हैं कि फ्री सर्विसेज देती हैं और मरम्मत करके देती हैं अपने वस्तुओं की। फिर बात आती है वैज्ञानिक अनुसंधान की, क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा में कार्य करती हैं, इसमें लगने वाला जो पूंजी है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो अपने मार्केट में अपने प्लेस वैल्यू को हमेशा बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान कार्य हमेशा चलते रहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने श्रृंखलाबद्ध स्टोर के कॉन्सेप्ट को जाना है, परिभाषाओं के माध्यम से जाना है, उनकी विशेषताओं को माध्यम से जाना है, साथ ही साथ उनकी स्थापना के लिए किन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए उनके बारे में भी जाना है और उनके लाभ को जाना है। आइए उनके कुछ दोषों को जानते हैं कि इन श्रृंखलाबद्ध स्टोर के कुछ दोष क्या हैं। बहुसंख्यक दुकानों के दोषों को देखते हैं कि बहुसंख्यक दुकानों के दोष क्या क्या हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे कॉमन है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में जब एक निर्माणकर्ता या एक फर्म अपनी बहुत सारी ब्रांचेस को दुनिया के या इवन हम कह सकते हैं किसी एक देश के अलग अलग शहरों में स्थापित करेगी, तो
उसे बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर उधार विक्रय नहीं होता, जिससे कस्टमर्स से जो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनती है वो कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं होती जितना जब साख सुविधा दी जाती है उस हिसाब से होती है। तो अगर हम देखें तो जो उधार विक्रय की बात होती है वो इस तरीके से, जो श्रृंखलाबद्ध हम बात कर रहे थे, बहुसंख्यक दुकानों की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर इस तरीके के उधार की बात नहीं होती, वहाँ उधार नहीं दिया जाता। जो भी परचेजिंग होती है या व्यवहार होता है या व्यवसाय होता है वो नकद या कैश में होता है। फिर है कि सीमित चुनाव सुविधा, जैसे कि आप कई बार इस तरह के स्टोर्स में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर एक ही प्रकार के या उनका एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है या एक तरीका होता है किसी भी जो वस्तु है या उत्पाद जिसमें वो व्यवहार कर रहे हैं उस वस्तु को बनाने का या उसको प्रेजेंट करने का, अगर उसमें आप वैरायटी चाहते हैं या उसमें कलर चेंज चाहते हैं या तो उसके डिज़ाइन में अगर चेंज चाहते हैं या उसके, अगर हम खाद्य उत्पादों की ऐसी बात करें तो उसके खाने के फ्लेवर्स में चेंज चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इनमें जो चुनाव होते हैं वो सीमित होते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पर जो है घर पर सुविधा नहीं देते सुपुर्दगी की, क्योंकि ये लोग जो हैं आपको स्वयं उन दुकानों तक जाना होगा, साथ ही साथ वहाँ पर आपको नकद क्रय करना होगा और स्वयं अपने साथ उन वस्तुओं को लेके आना होगा, तो ये लोग जो हैं घर पहुँच सुविधा जो है वो नहीं देते। और अगर मांग में परिवर्तन में कभी कमी आती है तो इस तरह के व्यवसायों को बहुत बड़े एक हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के उत्पाद में व्यवहार या व्यवसाय करते हैं, क्योंकि समय के साथ अगर चेंजेस आते हैं और अगर इनके व्यवसाय में अगर उन वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो होता है इस तरीके के स्टोर्स में जो होता है व्यक्तिगत संबंधों का अभाव होता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कस्टमर या कुछ गिने चुने कस्टमर्स से रिलेट नहीं करते। ये जो होते हैं रैंडम कोई भी कस्टमर आ सकता है यहाँ पर और यहाँ पर वो जो है परचेस कर सकता है, क्रय कर सकता है, लेकिन वो कस्टमर जो है उसी शॉप में दोबारा आए, उसकी दूसरी किसी शॉप में ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत संबंध की बात आती है, यहाँ पर उस चीज़ का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि ये व्यवसाय एक बहुत बड़ी आकार में होता है तो यहाँ पर जो नियंत्रण होता है वो जो होता है वो उस नियंत्रण प्रणाली का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो प्रबंध होगा वो फर्म के द्वारा ही अपने विभिन्न स्टोर्स पे किया जाएगा। तो ये जो एक चैनल जैसे वर्क करता है, तो ये जो चैनल होता है एक बहुत बड़े एरिया में वर्क करता है, इस वजह से यहाँ पर सफल नियंत्रण प्रणाली का थोड़ा सा अभाव पाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अगर देखें कि अगर इस तरीके का जो बहुसंख्यक दुकानों की बात करें तो चूंकि ये अपनी एक ब्रांड इमेज बना लेते हैं और अपने एक प्रॉपर कस्टमर बना लेते हैं, कस्टमर्स के बीच इनके एक प्रॉपर इमेज फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पर उनकी एक मोनोपोली की बात आती है, एकाधिकार की बात आती है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये अपने कस्टमर्स को बढ़े हुए दामों में या मनचाहे दामों में वस्तुओं को विक्रय करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड इमेज बना चुके होते हैं और अपने कस्टमर्स के हृदय में या दिल में या उनके मस्तिष्क में जो है इनका एक अच्छा इमेज फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से कई बार ये थोड़ा सा अपने कस्टमर्स के साथ जो है मनमाने व्यवहार करते हैं। फिर बात आती है कि ये जो होते हैं इनसे जो छोटे निर्माताओं को खतरा होता है, कई बार ऐसा होता है कि छोटे निर्माता जो सेम प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी के साथ बना रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जो श्रृंखलाबद्ध हम बात कर रहे थे या बहुसंख्यक दुकानों की बात कर रहे थे, इन दुकानों ने अपनी ब्रांड इमेज फॉर्म कर ली है, तो यहाँ कस्टमर्स केवल इनके नाम से ही चले आते हैं, लेकिन जो छोटे निर्माता हैं उनको कस्टमर्स नहीं जानते कि छोटे निर्माताओं के पास भी वो वस्तुएं उसी क्वालिटी में मिल सकती हैं और हो सकता है कम रेट में भी मिले, क्योंकि वो अभी तक एक बहुत बढ़िया ब्रांड नेम नहीं बने हैं, उनकी ख्याति उत्पन्न नहीं हुई है, जिस वजह से क्या होता है कि इन छोटे निर्माताओं को थोड़ी हानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो होता है
जो एक अंतिम बात होती है कि इस तरीके की दुकानों में स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबंध और नियंत्रण होता है वो प्रॉपर एक व्यक्ति या एक फर्म का होता है, जिस वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कई बार एक कस्टमर को बनाए रखने के लिए एक शॉपकीपर क्या करता है कि चलो थोड़ा कम कम कीमतों पर उनको वो वस्तु दे दी। लेकिन इस प्रकार की अगर दुकानों की बात करें तो चूंकि ये लोग नियमों से बंधे होते हैं, इन्हें अपने जो मुख्य हम कह सकते हैं कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए हैं, उन्हें उन आदेशों का पालन करना पड़ता है, इस वजह से वो अपने कस्टमर्स को थोड़ी रियायत भी नहीं दे सकते क्योंकि ये एक तरीके के नियमों से बंधे होते हैं। तो ये कुछ दोष थे जो बहुसंख्यक दुकानों के दोषों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम भारत में बहुसंख्यक दुकानों की बात करें तो सबसे बड़ी जो कमी आई है वो या इनका इनकी जो हम कह सकते हैं इनका विकास या विस्तार नहीं हो पाया है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इनकी स्थापना में कमी की वजह से। और स्थापना में कमी क्यों आई है, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, यहाँ पर अभी भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो निम्न वर्ग को बिलोंग करती है, और इस तरह की जो दुकानें जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास और साथ ही साथ हाई क्लास के लोग ही इस तरह की दुकानों में परचेज कर सकते हैं, जिनका क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर हम कह सकते हैं जो बहुत अच्छी हो, इन्हीं इस तरह के लोग ही या इन्हीं तरीके के लोग जो है इस तरह की दुकानों का लाभ उठा सकते हैं। तो जो है भारत में कुछ इन्हीं कारणों से इस प्रकार की जो दुकानें हैं उनके विकास और विस्तार में और उनकी स्थापना में थोड़ी सी कमी आई है। हमने जो है अब श्रृंखलाबद्ध स्टोर्स को जान लिया कि श्रृंखलाबद्ध स्टोर्स भी क्या हैं। विभागीय भंडार तथा बहु विक्रयशालाओं या श्रृंखलाबद्ध विक्रयशालाओं में अंतर। अंतर का पहला आधार संगठन लेते हैं तो जो विभागीय भंडार हैं उनका संगठन केंद्रीय आधार पर होता है, सभी विभाग एक भवन में होते हैं। और यही अगर हम बहु क्रियाशालाएं या बहुसंख्यक दुकानों को देखें तो यहाँ पर बहु विक्रयशालाओं का संगठन विकेंद्रीय आधार पर होता है, इसकी दुकानें विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। अंतर का दूसरा आधार उद्देश्य लेते हैं तो विभागीय भंडार का उद्देश्य ग्राहकों को एक ही स्थान पर आकर्षित करना है, और बहुसंख्यक दुकानों का उद्देश्य ग्राहकों को निकट पहुंचना है। अंतर का आधार तीसरा हम अगर स्थापना लें तो विभागीय भंडार, इसकी स्थापना फुटकर व्यापारिक संस्था द्वारा की जाती है, और बहु विक्रयशालाएं या बहुसंख्यक दुकानों में अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना उत्पादकों द्वारा की जाती है। अंतर का चौथा आधार स्थिति लेते हैं तो विभागीय भंडार शहर के केंद्र में स्थापित किया जाता है, और बहुसंख्यक दुकानें जो होती हैं शहर के मांग वाले प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। अंतर का पांचवा आधार हम स्थान ले लेते हैं तो विभागीय भंडार के लिए एक ही जगह आवश्यक होता है, और बहुसंख्यक दुकानों को अगर स्थान की बात करें तो जो श्रृंखलाबद्ध दुकानों के लिए अनेक जगहों अपेक्षाकृत कम स्थान की आवश्यकता होती है। अंतर का छठवां आधार हम पूंजी लेते हैं तो विभागीय भंडार की स्थापना के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और हम बहुसंख्यक दुकानों में अगर हम देखें तो इसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सातवें अंतर का आधार वस्तुएं लेते हैं तो इसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है, और इसमें अगर बहुसंख्यक दुकानों में देखें तो इसमें प्रमाणित किस्म की ही वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता है। आठवां अंतर का आधार वर्ग लें तो इसमें धनी वर्ग के ग्राहकों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, और बहुसंख्यक दुकानों को अगर हम देखें तो इसमें सभी ग्राहकों पर समान रूप से ही ध्यान दिया जाता है। नौवें अंतर का आधार मूल्य लेते हैं तो विभागीय भंडार में वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है, और बहु विक्रयशालाओं में वस्तुएं समान बाजार मूल्य पर ही प्राप्त होती है। दसवें अंतर का आधार साख सुविधाएं लें तो विभागीय भंडार में ग्राहकों को साख सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में ग्राहकों को साख सुविधाएं नहीं दी जाती।
अंतर का 11वां आधार विज्ञापन ले तो इसमें स्थानीय विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है विभागीय भंडार में। और बहुसंख्यक दुकानों में अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय विज्ञापन की व्यवस्था की जाती है। 12वां अंतर का आधार निरीक्षण व नियंत्रण ले तो इसका प्रबंध निरीक्षण तथा नियंत्रण सरल होता है। और बहुसंख्यक दुकानों में अगर हम देखें तो इनका प्रबंध निरीक्षण तथा नियंत्रण कठिन होता है। अंतर का 13वां और अंतिम आधार इसमें अगर हम जोखिम लें तो विभागीय भंडार में जोखिम अधिक होती है क्योंकि इसका हिसाब किताब विभागीय होता है। और बहुसंख्यक दुकानों में अगर हम देखें तो जोखिम कम होती है क्योंकि घाटा होने की स्थिति में दुकानें बंद की जा सकती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने विभागीय भंडार तथा श्रृंखलाबद्ध दुकानों में अंतर को जाना।